दोस्तों, वैसे तो आजकल ज़माना सोशल नेटवर्किंग का है, लेकिन अभी भी फिजिकल इंटरेक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से आउट ऑफ फैशन नहीं हुई हैं। इनफैक्ट आज के समय में इतने सारे जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहां पर हम हिस्सा लेते हैं, वहां जाकर एक दूसरे के साथ बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन क्या आप बिजनेस कार्ड को देते समय या बिजनेस कार्ड को रिसीव करते समय जो एटिकेट्स फॉलो किए जाने चाहिए, क्या आप उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द राइट वेज एंड एटिकेट्स टू गिव एंड रिसीव बिजनेस कार्ड्स। फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित बंसल एंड आई एम एन एकेडमिशियन एंड अ कॉरपोरेट ट्रेनर। आई हैव अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 22 years इन द कोचिंग इंडस्ट्री। सो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस कार्ड देते या लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 1, कभी भी अपने घर से या ऑफिस से निकलते समय बिना बिजनेस कार्ड के मत निकलिए। यह बहुत ही रूड और अनप्रोफेशनल होता है जब आपसे सामने वाला आपका बिजनेस कार्ड मांगे और आप उसको बताएं कि आपका बिजनेस कार्ड आप घर पे छोड़ आए हैं या आपके पास कुछ ही कार्ड थे और वो आपने बांट दिए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एनीबडी हु इज वर्थ नोइंग विल कैरी अ बिजनेस कार्ड। यदि आप अपनी वर्थ समझते हैं इतनी, तो आपको बिजनेस कार्ड हमेशा कैरी करना चाहिए। रूल नंबर 2, बिजनेस कार्ड को हमेशा एक बिजनेस कार्ड होल्डर में ही कैरी करना चाहिए। वियर एंड टियर से बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि एक बुरी तरह से मुड़ा हुआ कार्ड या क्रम्पल्ड वियर टियर वाला कार्ड देते समय बहुत ही अनप्रोफेशनल और रूड लगता है। नंबर 3, आप जब भी बिजनेस कार्ड अपनी पॉकेट में रखते हैं तो आपको बिल्कुल सही ढंग से याद रखना चाहिए कि आपने बिजनेस कार्ड को कहाँ पे रखा है। सामने वाला जब आपसे बिजनेस कार्ड मांगे और आप उसको इधर उधर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नंबर 4, बिजनेस कार्ड हमेशा मांगे जाने पर ही दें। बहुत सारे कल्चर्स में स्पेशली ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है कि आप अपना बिजनेस कार्ड यूं ही ऑफर कर दें। आपकी किसी के साथ बातचीत हो रही है जहां पर बातचीत इस पॉइंट तक पहुंच गई है कि वो आपसे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तब आप अपना बिजनेस कार्ड निकाल के प्रोवाइड करें, दैट इज फाइन, बट अदरवाइज मांगे जाने पर ही बिजनेस कार्ड दें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको आपका बिजनेस कार्ड मिले लेकिन वो मांग नहीं रहे, तो व्हाट यू कैन डू इज आप उनसे उनका बिजनेस कार्ड मांग लीजिए एंड जनरली रेसिप्रोसिटी विल फॉलो। वो या तो आपसे आपका बिजनेस कार्ड मांग ही लेंगे या फिर आप उनको अपना बिजनेस कार्ड उसके बाद दे सकते हैं। ऑल्सो, बिजनेस कार्ड देते समय हमेशा अपने राइट हैंड का यूज कीजिए, जो कि आपका हैंड ऑफ डिस्क्रिशन माना गया है। तो जब भी आप बिजनेस कार्ड देते हैं, हमेशा आप अपना राइट हैंड इस तरह से यूज कीजिए, या आप अपने दोनों हाथों का यूज भी कर सकते हैं। सिमिलरली, बिजनेस कार्ड रिसीव करते समय भी सामने वाले को दो हाथों का यूज करना चाहिए। ऑल्सो, जब आपको किसी का बिजनेस कार्ड मिलता है, आप हमेशा एक ग्लांस कीजिए उस कार्ड के ऊपर और सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, या तो बिजनेस कार्ड की ब्यूटीफुल होने पर, या उनके लोगो पर, या फिर आप सिंपली यही कह सकते हैं, ओ सो योर फैक्ट्री इज लोकेटेड एंड सो प्लेस। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड वेरी प्रोफेशनल एंड गुड इफ यू डू सो। फ्रेंड्स, कई बारी मैंने देखा है कि लोगों की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो वो वहीं पर उसको कटिंग करके कुछ ना कुछ लिख देते हैं, बट दैट इज़ नॉट द वे फॉर अ गुड लुकिंग एंड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। अगर आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंज है तो यू शुड ऑलवेज रन टू द नियरेस्ट प्रिंटिंग शॉप एंड गेट योर सेल्फ न्यू बिजनेस कार्ड्स। ऑल्सो, जब आपको बिजनेस कार्ड मिलता है तो आप कभी भी उस बिजनेस कार्ड को बिजनेस कार्ड देने वाले के सामने ही अपनी पॉकेट में मत रखें। इनफैक्ट यू कैन कंटिन्यू टू टॉक टू देम एंड वंस आप उनके सामने से हट जाते हैं, देन यू कैन प्लेस दैट बिजनेस कार्ड इन योर पॉकेट और अ फाइल और अ फोल्डर इन योर बैग। दिस इज द राइट वे टू रिसीव अ बिजनेस कार्ड। कई बारी लोग बिजनेस कार्ड जब मिलता है तो उसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ नोट्स लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये करने से पहले याद रखिए कि सामने वाले की परमिशन ज़रूर लें कि क्या मैं आपके बिजनेस कार्ड के ऊपर कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप उनकी परमिशन लें और फिर लिखें, अदरवाइज यू कैन राइट अ नोट
ऑन सम अदर स्लिप एंड कीप इट विद द बिजनेस कार्ड। सो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों का, जो कि सुनने में बहुत ही सिंपल लगती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो नेटवर्किंग गेम है वो और भी ज़्यादा अप हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी अपने आप को वेल प्रेजेंट करने में एट एनी नेटवर्किंग इवेंट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ योर फ्रेंड अमित बंसल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।